सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटक की लंबी कोस्टलाइन के रक्षक हमारे मछुआरे भाई बहन हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें भी अभाव में रखा है। ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद भी आया? क्या पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया, अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्टलाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार ने भी मत्स्य श्री योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया, और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से, बैंक से पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनी रहे, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वा कल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। यह आंकड़ा भी याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया, 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरी उत्पादन दोगुना हो गया है। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में
मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा।